यह दशक ब्रह्मांड की खोजबीन के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। विश्व की तमाम स्पेस एजेंसियां रोमांच भरे मिशन अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इनका लक्ष्य स्पेस एक्सप्लोरेशन को व्यावसायिक रूप देना है, स्पेस माइनिंग और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मंगल ग्रह पर इंसानों को उतार कर उसे पृथ्वी की शक्ल देना है। तो आखिर ये मिशन कैसे पॉसिबल होगा और इसके लिए हमारे साइंटिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो के माध्यम से। मंगल ग्रह सदस्य हमारी उत्सुकता का विषय रहा है। 2012 में रोवर नासा की मंगल की सतह पर उतरा था, जिसका नाम क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता ही था। वहीं बीते फरवरी में नासा ने परसिवियरेंस रोवर को मार्स की सतह पर उतारा था और इसके साथ एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी है। नासा के मिशन मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन को होने की संभावनाओं को तलाशना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पानी था। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले नवचियन समय काल में यहाँ पर जीवन था। पृथ्वी की तरह यहाँ बड़े बड़े पैमाने पर समुद्र और नदियाँ बहा करती थी। ऐसे में वैज्ञानिक का कहना है कि हो ना हो वहाँ पर जरूर सूक्ष्म जीवों के लिए हैबिटेबल वातावरण था। मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होती गई। इस कारण अंतरिक्ष की जानलेवा किरणें सीधे इसके वातावरण को विच्छेद करने लगी, जिसके चलते मंगल का वातावरण कमजोर हो गया। कमजोर वातावरण के चलते धीरे धीरे वहां कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव बढ़ने लगा। इस वजह से मंगल ग्रह गर्म हो गया। यहां पर जितना पानी था वह या तो अंतरिक्ष में उड़ गया होगा या ग्रहों के दोनों ध्रुवों पर बर्फ बनकर जम गया होगा। अब जब हम मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं, तो कई वैज्ञानिकों के बीच यह सवाल उठा है कि क्या मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह टेराफॉर्म किया जा सकता है, अर्थात क्या मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह बदला जा सकता है। यह प्रश्न सर्वप्रथम सदी के मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने उठाया था। उनके मुताबिक हम इस ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए इसके दोनों ध्रुवों पर थर्मोन्यूक्लियर हमला करना होगा। इससे बर्फ की चादरें पिघल जाएंगी और ध्रुवों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलने लगेगा। इसके चलते ग्रह पर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव शुरू होगा। इसके पूरे साल का तापमान बढ़ेगा और सतह रहने लायक होने लगेगी। इस दिशा में काम करने के लिए कई सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। मंगल ग्रह को पृथ्वी का रूप देने में वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती उसमें मैग्नेटिक फील्ड को वापस लाने की होगी। मंगल ग्रह का वातावरण तभी रुक सकता है जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो। इस दिशा में वैज्ञानिक सभी संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। इसको अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों को आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा उत्तम तकनीक और संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हाल फिलहाल संभव तो नहीं हो सकता। इसमें दशकों का समय लगेगा, पर हो ना हो इस हाइपोथेटिकल सिद्धांत को हम एक दिन जमीन पर जरूर उतारेंगे और मंगल को अर्थ 2.0 की शक्ल भी देंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।